हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो ये व्लॉग है वो है दुबई में हमारा सेकंड डे, और ये मैं आपको हमारे होटल रूम से व्यू दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सारा रेसिडेंशियल एरिया है, वो देखिए छत में कपड़े सूख रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे घर में बालकनी में कपड़े सुखाते, ऑब्वियसली बालकनी है तो इसलिए मैं बस आपको दिखा दूँ व्यू। और ये है आज का मेरा लुक, मैं ऐसे ही तैयार हुई हूँ, थोड़ा सिंपल में हूँ। पूरे दिन तो हम कुछ नहीं करते हैं बिकॉज बहुत गर्मी है तो हम बाहर भी नहीं निकलते। तो ये 6:30 बजे शाम में हम निकल गए बाहर और आज हम जा रहे थे दुबई मॉल। तो चलिए आपको दुबई मॉल लेके चलती हूँ मेरे साथ। एक और बात मैं आपको बता दूँ, वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वीडियो काफ़ी पुराना है क्योंकि जो अगर आप देखेंगे इसका फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो काफ़ी मैंने पहले डाला था, और उसके बाद मैं नहीं डाल रही थी बिकॉज एक मेरे दिल में थोड़ा डर आ गया था व्लॉग्स डालने से कि लोगों की नज़र लग जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा इसलिए। बट काफ़ी सोच के डिसाइड करके मैंने फिर से डालना शुरू किया है। और ये है फ्यूचर म्यूज़ियम, हम एक्चुअली यहाँ पे आए थे अभी के हम जाएंगे फ्यूचर म्यूज़ियम, बट ये टिकट सोल्ड आउट है और हमने ऑनलाइन देखा तो नेक्स्ट टिकट अवेलेबल जो है वो उस दिन का जिस दिन हम जा रहे हैं वापस हैदराबाद के लिए। इनफैक्ट हमारे फ़्लाइट टेक ऑफ होने से 1 घंटे पहले का अवेलेबल है तो हम नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली। तो जी ये हम पहुंच गए दुबई मॉल, आप देख सकते हैं वहाँ पे द दुबई मॉल लिखा है। और ऑल्सो नोटिस कीजिए कि ट्रैफिक कितनी है, गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है। हमें अंदर जाने में अराउंड 40-45 मिनट्स लग गया था, इस साइड ही हम खड़े थे ट्रैफिक में और टर्न होके जाना बहुत लंबा टाइम लग गया था। और हमें एक्चुअली दूसरी गेट में उतरना था शायद, मुझे याद नहीं ठीक से अभी। और देखिए सारे बड़े शोरूम हैं, रोलेक्स, डोल्ची एंड गबाना, गुची, अर्मिस, और यहाँ पे देखिए बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है। और ये जो मेरा फ़ोन है ना उसका एक कैमरा क्रैक हो गया था लेंस उसका, तो इसलिए ना जब मैं जूम आउट कर रही हूँ तो ब्लरी हो जा रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो जी ये हम पहुंच गए हैं दुबई मॉल के अंदर और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल एक्वेरियम की तरफ। ये और ये जो है कैंडी लैंड, ये इतना प्यारा लगता है ना मुझे, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये बिल्कुल एक्वेरियम के सामने है, और अगर आप लोग दुबई मॉल गए होंगे ना, ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस एक्वेरियम गए हैं तो आपने देखा ही होगा ये कैंडी लैंड उसके सामने ही है। बस बच्चे जाएंगे तो परेशान करेंगे, आई एम लेटिंग यू नो। तो जी ये देखिए ये एक्वेरियम है, काफ़ी बड़ा है, अगर आप नहीं गए तो आपको दिखा रही हूँ मैं। और ना काफ़ी फिशेज हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। और 2-3 चीज़ें मैंने पहली बार यहाँ पे देखी, जैसे कि ये स्कूबा डाइविंग, मुझे नहीं पता था कराते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो अगर ये हमेशा से होते हुए आया या अभी ये कुछ नया है। लास्ट टाइम मैं आई थी वो 2016 में आई थी, तो आई हैव नो आइडिया, मैंने उस वक्त इतना ध्यान भी नहीं दिया। और 2-3 चीज़ें जो मैंने अभी देखी जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे नहीं पता था। एक तो ये देखिए यहाँ पे मरमेड बनी हुई है ये लेडी, आई डोंट नो ये शूट कर रहे हैं या क्या हो रहा है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे ये है। और दूसरा चीज़ ये देखिए, ये जो पानी के अंदर ये लोग हैं कुछ, अगर आपने नोटिस किया अभी तो, ये देखिए मैं आपको ठीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसके अंदर हैं लोग, और यू नो लाइक वो अंदर जाके पानी में देख रहे हैं फिशेस को। तो हमने प्लान किया था कि चलो हम भी जाएंगे और हम भी जाके ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। तो जी एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए ऊपर फ्लोर में आना पड़ता है और हमें पहले डिनर कर लेना था, तो हम आ गए ऊपर। और मैं ये चेंजिंग रूम में आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ ये चेंजिंग रूम किस तरह का दिखता है। एंटर करते साथ ही मैं एक और चेंजिंग रूम में गई थी, वो और ज़्यादा प्यारा था और ज़्यादा अच्छा था, बट मैं वहाँ फ़ोन नहीं लेकर गई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एनीवेज़ निकल के आ गए हम, और उसके बाद हमने किया था KFC से ये ऑर्डर, और KFC खाने के बाद में हमने सोचा ये बबल टी ट्राई करते हैं टाइगर शुगर ब्रांड का, तो हमने ये भी ले लिया। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पेंड कर रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए जिसमें मैं दिखा रही हूँ आपको ये जायंट क्रोकोडाइल जो हमने देखा था दुबई मॉल के एक्वेरियम के अंदर, और वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सलीना एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।